नमस्कार दोस्तों, वित्त वर्ष 2021-22 से चैरिटेबल एंटिटीज या ऐसी एंटिटीज जो सेक्शन 35 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कंट्रीब्यूशन करने पर रिसीट्स देती हैं और उन रिसीट्स का बेनिफिट लेकर के जो कंट्रीब्यूटर है, जो डोनर है, वो अपनी आयकर रिटर्न में एक डिडक्शन क्लेम करते हैं, ऐसी संस्थाओं के संदर्भ में एक फॉर्म 10BD की कंप्लायंस लेकर के आई गई। ये फॉर्म 10BD क्या है, इसको कैसे फिलअप किया जाना है, इसके संदर्भ में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यही सारे बिंदु लेकर के आज की वीडियो में आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने ये बात रखता हूं कि फॉर्म 10BD की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये कौन सी संस्थाओं पर एप्लीकेबल है। जैसे कोई मुझे बोलेगा कि अनूप जी चैरिटेबल एंटिटीज पर है, तो मेरा प्राइमा फेसाई आंसर होगा यस। लेकिन सर ध्यान से समझिएगा, चैरिटेबल एंटिटीज इनकम टैक्स की धारा 12AA या 12AB में रजिस्टर्ड होती हैं। नई व्यवस्था 12AB की है, पुरानी 12AA की होती थी। इन संस्थाओं का भी फर्दर ATG में हो सकता है रजिस्ट्रेशन हो या ATG में रजिस्ट्रेशन ना हो। यानी ऐसी चैरिटेबल संस्था जो इनकम टैक्स की धारा ATG में रजिस्टर्ड नहीं है, केवल 12AA में रजिस्टर्ड है, मेरी ओपिनियन में वो फॉर्म 10BD के कंप्लायंस में नहीं आ रही। केवल वो आएंगी जो फर्दर ATG के डोनेशंस लेती हैं, यानी ऐसे डोनेशन लेती हैं जिसमें कंट्रीब्यूटर को पैसा देने पर इनकम टैक्स की धारा ATG में छूट मिलती है। इसी प्रकार दोस्तों, जो रिलीजियस एंटिटीज हैं, इन पर भी मेरी ओपिनियन में फॉर्म 10BD की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि रिलीजियस एंटिटीज ATG के डोनेशंस नहीं ले सकती, यानी वो ऐसे डोनेशन नहीं ले सकती जिसमें कंट्रीब्यूटर को इनकम टैक्स की धारा ATG में छूट मिलती हो। इसी प्रकार दोस्तों, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो इनकम टैक्स की धारा 10 क्लॉज 23C या कुछ रेजिमेंटल फंड्स होते हैं या सेक्शन 35 के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि अप्रूव्ड होते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ गिविंग साइंटिफिक रिसर्च कंट्रीब्यूशन रिलेटेड रिसीट। वो ATG के अंदर भी साइमल्टेनियसली अप्रूव्ड हैं या 35 में अप्रूव्ड हैं, तो ऐसी संस्थाओं पर भी ये फॉर्म 10BD की कंप्लायंस एप्लीकेबल होती है। तो हमें सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि किन संस्थाओं पर फॉर्म 10BD फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है। अब दोस्तों, आपसे रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ डिस्कस कर रहा हूं कि इनकम टैक्स की धारा ATG में क्या अमेंडमेंट आया जिसकी वजह से जो रिसिपिएंट इंस्टीट्यूशन है जिसको डोनेशन मिलती है उसको फॉर्म 10BD भरने की रिक्वायरमेंट लागू होती है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस टू सर्टेन फंड्स और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। दिस सेक्शन यानी सेक्शन ATG अप्लाइज टू द डोनेशन to any institution or fund referred to in subclause 4 of clause A of subsection 2 only if it is established in India for charitable purpose and it fulfills the following condition, namely, or SI amendment section 35 mein bhi hai, the institution or fund prepares such a statement for such period as may be prescribed and deliver or cause to be delivered to the prescribed income tax authority or person authorized by such authority in such form and verified in such manner and with such particular and within such time as may be prescribed. Simply speaking, sir, ये जो form 10BD का उदय हुआ है वो इसी amendment की वजह से आया है कि form 10BD में charitable entities, section 35 की entities, 1023C की entities जो ATG में या सेक्शन 35 में कंट्रीब्यूशन की रिसीट जारी कर रही थी, उन संस्थाओं के ऊपर ये रिक्वायरमेंट आ गई कि अब उन्हें एक एनुअल स्टेटमेंट दाखिल करना है। ये एनुअल स्टेटमेंट की ड्यू डेट क्या होगी सर? वित्त वर्ष खत्म होने के बाद अगली 31वीं। जैसे प्रेजेंटली फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ रिसेंटली 21-22, तो 21-22 के लिए सर 31 मई 2022 तक चैरिटेबल संस्थाओं को जिन्होंने ATG की डोनेशन जारी करी या साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन जिन्होंने 35 की रिसीट्स इशू करी या 1023C की संस्थाओं जिन्होंने ATG की रिसीट्स इशू करी, उनको एक फॉर्म 10BD फाइल करना पड़ेगा और ये फाइलिंग उनके लिए मैंडेटरी है। एक और इंपॉर्टेंट व्यवस्था दोस्तों जो इस फॉर्म 10BD के साथ आई है वो ये है कि ATG में ये भी लिखा गया कि रिलेवेंट एंटिटी को, और इसी प्रकार 35 में भी, प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट टू द डोनर, जिस व्यक्ति ने पैसा दिया। मान लीजिए मेरा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, आप एक डोनर हैं, आपने मुझे 10,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए, तो जब आप मुझे 10,000 रुपये देंगे तो मैं एज अ चैरिटेबल एंटिटी फॉर्म 10BD फाइल करूंगा, उसमें ये बताऊंगा कि आपने मुझे 10,000 रुपये कैश से, चेक से या अदर मोड से दिए, और
आपको एक सर्टिफिकेट भी दूंगा कि आपने मेरी संस्था को 10,000 रुपए दिए, और वो सर्टिफिकेट सर आपको फॉर्म 10BE के अंदर मिलेगा। द इंस्टीट्यूशन और फंड फर्निशेस टू द डोनर अ सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ डोनेशन इन सच मैनर कंटेनिंग सच पर्टिकुलर एंड विद इन सच टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ डोनेशन। तो जैसे ही मैं फॉर्म 10BD फाइल कर देता हूँ एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके बाद मेरा अगला काम है फॉर्म 10BE इशू करना उस व्यक्ति को जिसने हमें डोनेशन या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। अब नेचुरली दोस्तों आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोसीजर। सर द पर्पज आर वेरी क्लियर, टू फैसिलिटेट मोर ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी इन डिडक्शंस क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35(80)(g) ऑफ इनकम टैक्स लॉ, वैलिडेटिंग एंड काउंटर चेकिंग द डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35(80)(g). मान लीजिए मैंने आपको 10,000 रुपए की रसीद दी, आपने अपनी रिटर्न में क्लेम किया, मैं क्या अपनी रिटर्न में बता रहा हूं कि हाँ मैंने ये कॉन्ट्रीब्यूशन या डोनेशन रिसीव किया, और साथ ही क्या आप उस मान लीजिए कैश डोनेशन आपने दिया था 2000 या उससे ऊपर, 2000 से ऊपर के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए 80G की डोनेशन नहीं मिलती, पर आपको अनभिज्ञता है, आप अपनी ITR में उस 80G का डिडक्शन डोनेशन का डिडक्शन लेना चाहते हैं विच यू आर नॉट एलिजिबल। तो जैसे ही मैं एक फॉर्म 10BD फाइल करूंगा और वो आपके 26AS में किसी फ्यूचर डे पर मैपिंग हो जाएगी और आप उधर 80G क्लेम करेंगे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कैप्चर करेगा। दिस इज काइंड ऑफ ऑटोमेशन, और इस ऑटोमेशन से सर बेसिकली क्या पर्पज अचीव होगा, करेक्ट रिपोर्टिंग ऑफ डोनेशन इनकम बाय द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज करेक्ट क्लेम ऑफ डिडक्शंस बाय द डोनर। तो इस तरीके के फॉर्मेट का दूरगामी प्रभाव सर आने वाले समय में हम देखेंगे। यदि दोस्तों प्रोसीजर एंड टाइम लिमिट पर बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके ध्यान में रखना चाहूंगा लाना चाहूंगा, फॉर्म 10DB is a statement of donations containing detail of donation received by charitable organization during the financial year. This form is required to be filled or filed electronically by the entity receiving donation. Yani aapko manual nahi bharna hai, online aapke login mein ja karke income tax department ke fir se bharna hai. This form should be digitally signed or may be filed with EVC. To digital signature se ya EVC se bharna hai. Aur kiske signature honge? Jo ITR bharne ke liye liable hain, ITR bharte samay, jin adhikari ke hastakshar hote hain, unhi ke digital signature se ya unhi ki or se EVC laga karke ye form upload hoga. Form is required to be filed once in a year. Aapko baar baar nahi bharna, ek vitt varsh ke liye ek baar bharna hai. और वो भी कब करना है, भरना है, द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग फॉर्म इज 31 मई ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, के जैसे ही वित्त वर्ष खत्म होगा उसके बाद आपको 31 मई तक एज अ चैरिटेबल एंटिटी एज अ सेक्शन 35 एंटिटी ये पर्टिकुलर फॉर्म 10BD फाइल करना पड़ेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों, वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्म टू बी डन बाय पर्सन ऑथराइज्ड टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इंस्टीट्यूशन। The failure to comply with requirement of filing form 10BD will attract a fee of ₹200 per day for delay under section 234G. बड़ी important बात है सर कि अगर 31 मई से delay कर गए, time बढ़ जाए वो बात अलग है, लेकिन अगर time limit नहीं बढ़ती तो ₹200 प्रति दिवस की fees देनी पड़ेगी सर। साथ ही further the failure to file such a statement will attract penalty under section 271K which will not be less than 10,000 but which may extend up to 1 lakh. It means फॉर्म 10BD भरने की जो कंप्लायंस है वो बहुत स्ट्रिंजेंट है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अब दोस्तों आपके साथ कंटेंट्स ऑफ फॉर्म 10BD क्विकली डिस्कस करता हूं कि इस संदर्भ में फॉर्म 10BD जो जारी हुआ वो रूल 18AB ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962 के थ्रू आया, ये 2021 में ही फॉर्म फाइनल हुआ। The statement of particular to be filed by reporting person under clause reporting person का मतलब है सर charitable entity या section 35 के entity. Reporting person under clause 8 of subsection 5 of 80G or under clause 1 of subsection 1 of section 35 of Income Tax Act 1961 part A. आपको स्वयं की details देनी है, अपना PAN, reporting period से for example वर्तमान में 2021-22 वित्त वर्ष डालना। पार्ट बी में सर आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द डोनर, ये क्या होता है इस पर मैं आगे डिस्कस करता हूं आपसे, आईडी का कोड, सेक्शन का कोड यानी कौन से सेक्शन में डोनर ने ये पैसा आपको दिया है, से 80G में लिया है, 35 में लिया है, नेम ऑफ डोनर क्या है, उनका एड्रेस क्या है, डोनेशन का टाइप इस पर भी अभी मैं चर्चा करूंगा, मोड ऑफ रिसीट आपको कैसे वो पर्टिकुलर अमाउंट मिला एंड अमाउंट विच यू हैव रिसीव,
फ्रॉम दैट पर्सन। वेरिफिकेशन होगा, आई सो एंड सो सन और डॉटर ऑफ सो एंड सो हियर बाय डिक्लेयर दैट द डिटेल्स गिवन इन द फॉर्म आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। तो ये आपको वेरिफिकेशन करके फाइनली फॉर्म फाइल करना है। अब दोस्तों आपके साथ डिस्कस करता हूं इंस्ट्रक्शन टू फिल द फॉर्म। कि सीबीडीटी ने जब ये फॉर्म इशू किया तो इसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शन भी इशू किए जो हमें इस फॉर्म को समझने में काम आएंगे। मल्टीपल फॉर्म 10BD मे बी फाइल्ड बाय द सेम रिपोर्टिंग पर्सन एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन बाय प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम। यानी कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर ईयर के लिए आप एक से ज्यादा 10BD फॉर्म भर सकते हैं जरूरत पड़ेगी तो। The address and contact detail of reporting person filing the statement as per the latest ITR filed by the reporting person will be displayed on the screen and if there is a change the reporting person will be provided an option to change the detail. तो ये कोई खास बात नहीं है कि reporting person यानी मान लीजिए एक trust का trustee authorized है form 10BD file करने के लिए तो उनका जो login होगा उनके personal pen में जो address होगा वो address इस form 10BD पे दिखाई देगा। इन सेक्शन कोड, अब सेक्शन कोड कौन कौन सा है, द सेक्शन अंडर विच डोनर इज अलाउड टू क्लेम डिडक्शन फॉर द डिडक्शन नीड्स टू बी फिल्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ATG यानी जहां आपने किसी संस्था को चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दिया तो ATG, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन या कोई कंपनी जो साइंटिफिक रिसर्च के ही क्षेत्र में काम कर रही हो या कोई सोशल साइंस के अंदर स्टेटिस्टिकल रिसर्च में काम कर रही संस्थाएं जिनको आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो चुनना पड़ेगा उस संस्था को कि उसने आपको कौन से सेक्शन में ये पर्टिकुलर रिसीट आपसे ली है ताकि आपकी जो एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी वो उसके अकॉर्डिंगली ही फिर डिसाइड होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए सर, इन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द डोनर वन ऑफ द फॉलोइंग शैल बी फिल्ड। यानी जो डोनर पैसे देने वाला, मेरे केस में जो एग्जाम्पल मैंने बनाया कि मेरा एक ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, ATG के डोनेशन आपने मुझे दिया है तो मैं आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में अगर आपका पैन या आधार नंबर है तो मैं कोड सेलेक्ट करूंगा कि कोड 1 कोड 2 और फिर वो पैन या आधार में इंसर्ट करूंगा। और अगर पैन और आधार उपलब्ध नहीं है, जैसे कई बार विदेशों से कंट्रीब्यूशन आता है, तो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द कंट्री वेयर द पर्सन रिजाइड या पासपोर्ट नंबर या इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, राशन कार्ड नंबर भी इंसर्ट किया जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस में सीबीडीटी ये भी कह रही है कि इन डोनेशन टाइप वन ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी सिलेक्टेड। कि डोनेशन डोनर ने, बहुत इंपॉर्टेंट बाइफर्केशन है ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, कि क्या उसने कॉर्पस डोनेशन लिया है या स्पेसिफिक ग्रांट ली है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या अदर यानी वॉलंटरी डोनेशन है, ऐसा मैं मानता हूं। इसी प्रकार दोस्तों, इन मोड ऑफ रिसीट वन ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी सिलेक्टेड। कि क्या कैश डोनेशन आया है, काइंड में डोनेशन आया है, इलेक्ट्रॉनिक मोड अकाउंट पे या ड्राफ्ट के थ्रू डोनेशन आया है, मैं इसमें RTGS NEFT भी शामिल कर सकता हूं या अदर फॉर्मेट में डोनेशन आया है, ये स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। आप ये मान के चलिए सर कि 2000 से ऊपर के डोनेशन यदि कैश होते हैं और ये चीज सेलेक्ट करनी ही पड़ेगी जब किसी ने 2000 से ऊपर का एज अ ट्रस्ट डोनेशन कैश लिया है, तो फिर जो डोनर जिसने डोनेट किया है उसको ATG का कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ डोनर विच हैव गिवन डोनेशन विच आर एलिजिबल अंडर डिफरेंट सेक्शन और अंडर डिफरेंट मोड्स, सेपरेट रोज शुड बी फिल्ड इन फॉर ईच सच कॉम्बिनेशन। मान लीजिए कुछ कैश आया, कुछ चेक आया, तो फिर हर डोनर वाइज, यानी ये भी हो सकता है कि एक डोनर के सारे कॉन्ट्रीब्यूशन एक जगह रिपोर्ट हो जाए या एक डोनर ने कुछ कैश दिया, कुछ चेक दिया, कुछ काइंड दिया, तो फिर हर एक डोनेशन के लिए अलग अलग रो जो चैरिटेबल संस्था फॉर्म 10BD फाइल कर रही है उसे रिपोर्ट करनी पड़े। तीन और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो मेरी नजर में थे या मुझे लगा इन पर आपसे चर्चा करूं। व्हाट इफ नो डोनेशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, के कोई डोनेशन मिला ही नहीं तो फिर क्या फॉर्म 10BD भरने की आवश्यकता है? मेरी ओपिनियन में फिर कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि डोनेशन ही नहीं आए। कैन फॉर्म 10BD बी रेक्टिफाइड और रिवाइज? यस सर, नो इशू, इवन ATG परमिट्स फॉर द सेम। कि आप एक रेक्टिफाइड या रिवाइज फॉर्म 10BD भी फाइल कर सकते हैं। सीक्रेट एनोनिमस डोनेशन एंड फॉर्म 10BD पर अगर मैं चर्चा करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा सर कि अगर सीक्रेट डोनेशन है यानी एनोनिमस डोनेशन है, देने वाले का नाम पता नहीं उपलब्ध है,
तो वहां आपको 30% टैक्स प्राइमा विजाए एज अ चैरिटेबल एंटिटी देना है। तो उस परिस्थिति में उस तरीके के डोनेशन को फॉर्म 10BD में भरने की आवश्यकता मेरी राय में नहीं होनी चाहिए। क्विकली सर, आपके सामने ये बात रखता हूं कि पोर्टल में यदि आप जाएंगे तो आपको एंट्री कहाँ करनी है, कैसे जाना है इस पर्टिकुलर यूटिलिटी के लिए, कि आपने अपना लॉगिन किया, फिर आप ई फाइलिंग में गए, वहां आपने इनकम टैक्स फॉर्म सेलेक्ट किया, इनकम टैक्स फॉर्म में आपने फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पर क्लिक किया। जब आप फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे तो वो आपको अलग अलग तरीके के फॉर्म बताएगा कि भाई पर्सन विद बिजनेस है या पर्सन विदाउट बिजनेस है या पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम। तो एज ए चैरिटेबल एंटिटी या सेक्शन 35 एंटिटी कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, उन्हें ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और नीचे दिए गए फॉर्म्स में आपको फॉर्म 10BD मिलेगा, ये फॉर्म 10BD पर आपको क्लिक करना है। जब आप फॉर्म 10BD पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से अगली विंडो आएगी, स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर टू बी फाइल्ड बाय रिपोर्टिंग पर्सन अंडर 80G5 और 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 एंड देयर इन अगेन योर पैन योर सबमिशन मोड वुड बी अपेयरिंग। यहां आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है और आपको कंटिन्यू पे प्रेस करना है। फर्दर आपको जब फॉर्म 10BD आप सेलेक्ट करेंगे तो फॉर्म 10BD के अंदर प्रोवाइड डिटेल्स का ऑप्शन दिया जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको तीन बेसिक चीजें मिलेंगी, एक बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए, दूसरा डिटेल ऑफ डोनर एंड डोनेशन देने के लिए और तीसरा वेरिफिकेशन करने के लिए। तो आपको एक एक पर प्रोवाइड कंफर्मेशन करते हुए, प्रोवाइड डिटेल करते हुए आगे बढ़ते जाना है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पार्ट टू में जहां पर आपको डोनेशंस की डिटेल, डोनर की डिटेल देनी है, तो दो ऑप्शन आपको वहां मिल रहे हैं, डाउनलोड टेम्पलेट, ये एक एक्सेल फाइल है, आप एक्सेल फाइल डाउनलोड कर ले, उसको फिल कर ले, जब वो तैयार हो जाए तो आप यहां पर उसको अपलोड CSV कर दें। कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं, टू रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर फाइलिंग CSV क्लिक हियर, ये आप पढ़ लीजिएगा। प्लीज कन्वर्ट द फाइल टू .csv बिफोर अपलोडिंग, क्योंकि आपने हो सकता है एक्सेल में सेव कर लिया हो, उसे CSV फाइल बनाना है। मैक्सिमम नंबर CSV फाइल में सर 25,000 है, तो आपको और रिकॉर्ड जोड़ने हैं तो फिर से फॉर्म 10BD एक और भरना पड़ेगा। मैंने पहले कहा था आपको मल्टीपल फॉर्म भरे जा सकते हैं। प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर का एक ऑप्शन और है सर, तो इस संदर्भ में CBDT ने क्लियर किया है कि प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर का ऑप्शन वित्त वर्ष 22-23 से आएगा, है ना। 21-22 के लिए जब हम फॉर्म 10BD भरेंगे तो प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर भरने की कोई आवश्यकता यहां पर नहीं रहेगी। हालांकि इस पर पीछे मैंने एक संक्षिप्त चर्चा करी सर, लेकिन फिर आपके सामने बात रखता हूं कि एक्सेल शीट जब आप खोलेंगे तो सीरियल नंबर, प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर अभी छोड़ना है वित्त वर्ष 21-22 के लिए, आईडी का कोड क्या है, कोड 1, 2, 3, 4, 5 जो हमने देखे थे, वो आईडी का नंबर यहां पर इंसर्ट होगा, कौन से सेक्शन में आपने वो पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन डोनर से लिया है, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर यानी आपका एज अ ट्रस्ट यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो कब इशू हुआ था, ATG का रजिस्ट्रेशन यहां आपको डालना है या 35 का रजिस्ट्रेशन, नेम ऑफ डोनर, एड्रेस ऑफ डोनर, डोनेशन का टाइप, ठीक है, और मोड ऑफ रिसीव, कि डोनेशन ATG में है, 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 में, 2A में या 3 में, और मोड ऑफ रिसीट कैश मिला, चेक मिला, अदर मोड में मिला, एंड अमाउंट ऑफ डोनेशन जो इंडियन रूपी में है, ये आपको यहां पर मेंशन करनी होगी। दोस्तों, आप इस वीडियो के थ्रू ये समझ पाए होंगे कि यस सर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रांसपेरेंसी, द इंफॉर्मेशन कनेक्टिविटी, इट इज बेटर दैट द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन should also be made responsible for filing this kind of a statement on an annual basis so that the due information, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि charitable institution 100% का donation देने के लिए eligible नहीं है, 50% का donation देने के लिए eligible है, लेकिन जो recipient है, donee, donor की बात करता हूं, जिसने ये particular donation किया है, वो 100% category में जाकर donation ले लें, तो ये गलती होगी ना। इस प्रकार की गलतियां सर इन व्यवस्था से, फॉर्म 10BD की व्यवस्था से क्लियर होती जाएंगी। और एक बात जो जोड़ सकता हूं कि यदि आप डोनर हैं तो आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि आपको न केवल एक रसीद मिले चैरिटेबल संस्था से, आपको एक सर्टिफिकेट फॉर्म 10BE में भी लेना है, ताकि उसी परिस्थिति में आप वैलिडली अपनी डोनेशन को ITR भरते समय क्लेम कर पाएंगे। सो आई होप यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर वीडियो यूजफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।